सो इस वीडियो के अंदर हम सोनू सूद के द्वारा जो फ्री IAS कोचिंग चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आप इसका फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, इसकी फीस कितनी है उसके बारे में जानकारी लेंगे, एंड एट द लास्ट हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि इस कैंपेन के अंदर सबसे बड़ा लूप होल क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है जिसके अंदर आप फंस सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट को लॉगिन क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आप आ सकते हैं। एंड द अदर ऑप्शन इज आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर आके डायरेक्ट आप सुद चैरिटी फाउंडेशन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ना, इसको आप डालेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद में आप चाहे तो डायरेक्ट होम पेज से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर ये जो कैंपेन वाला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर थर्ड नंबर पर, यहाँ पर आके आप नीचे देख सकते हैं संभवम 2023-2024 ये आपको देखने को मिल जाता है। ये UPSC की कोचिंग के बारे में जानकारी है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से आप इसकी बेसिक जानकारी पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, ये 2023-2024 को टारगेट कर रहा है, जिसकी जो फीस है वो करीब 51 रुपीज़ है, 51 रुपीज़ इसकी फीस है। एंड इसके बाद में जो भी सारी सुविधा होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सभी एस्पिरेंट पे अप्लाई होंगे। एंड द लास्ट डेट है जो इस फॉर्म भरने की वो है 9 जुलाई 2023। सो ये है इसकी बेसिक जानकारी। देन आफ्टर हम क्लिक करेंगे अप्लाई ईयर पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये कंप्लीट डिटेल में फॉर्म खुल जाता है, लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इनका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको और भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अपन एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या इनकी इसके अंदर देखने को जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी देखने को मिल जाती है, फाउंडेशन क्या है। देन आफ्टर ये बता रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से बेनिफिट हुए और 30+ ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है जो कि सिलेक्टेड हुए सिविल सर्वेंट में। सो आप देख सकते हैं इनकी क्या क्या सुविधा है। एंड बाकी ये बता रहे हैं कि जो इनके टॉपर है वो ये है। मेरे पास में इसका कोई सबूत नहीं है और मैं इस बात का नहीं कह रहा कि इनके टॉपर है या नहीं, कुछ इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ एक सवाल जरूर उठता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यश चौधरी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि रैंक 6 पे है। विजन IAS भी शायद क्लेम कर रहा है कि इनके स्टूडेंट है, बाकी कोचिंग वाले भी क्लेम कर रहे हैं कि इनके स्टूडेंट है। देन ये कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि किन के टॉपर है, किन के स्टूडेंट है। बाकी खैर कुछ कह नहीं सकते, इसके ऊपर हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि वीडियो को फॉर्म को सबमिट कैसे करना है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका सबसे बड़ा लूप होल। सो नाउ सबसे पहले अपन सीखते हैं फॉर्म कैसे सबमिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने पेज खुल जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक लॉगिन होने में। ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म खुलकर आपको देखने को मिल रहा है जो कि इसके बारे में कुछ एक बेसिक जानकारी है जो कि आपको देखने को मिल जाती है। आप फॉर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं। इसके दो सेक्शन हैं, पहले के अंदर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है एंड सेकंड के अंदर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग जानकारी सबमिट करने रहेगी। इसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी देनी है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल आईडी देनी है, वो सारी जानकारी खैर अपन फॉर्म के साथ में देखेंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके अपडेट के लिए आप इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी सारी चीज़ें। अपन एक एक करके फॉर्म को सबमिट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तेज़ी से बता देता हूँ कि इसके अंदर करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको खुद का नाम लिखना है, जैसे कि मेरा जो नाम है वो है मुकेश सांखला। एंड देन आफ्टर फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। एंड देन आफ्टर आपको जेंडर लिखना रहेगा जो आपका जेंडर है वो। देन आफ्टर आपको आपकी ईमेल आईडी, फिर आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फिर आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल अर्बन या फिर टाउन। यूजली बच्चे अर्बन से होते हैं, कुछ बच्चे गांव से होते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। इसका कोई लॉजिक नहीं होता, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर से दूर रह के बड़ी सिटी में पढ़ रहे होंगे तो अपनी सिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं, अपने करंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पर आप मैंसन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है ऑल सोर्स को मिलाकर। सो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यूजली बच्चों की इनकम नॉर्मल होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप PW कैटेगरी से आते हैं, PWD कैटेगरी से आते हैं, मतलब अगर आप दिव्यांग है तो आप इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिख सकते हैं। येस या नो के अंदर आप जानकारी लिख सकते हैं। देन आफ्टर आपकी करंट प्रोफाइल क्या है, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग में हैं, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर क्या है, उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट होंगे, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको आपकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है,
आप 12th पास है, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, या फिर मतलब ग्रेजुएशन आपकी प्रोसेस में है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर रिसर्च आई थिंक पीएचडी वगैरह इसमें है। सो मैक्सिमम बच्चों का जो ऑप्शन होगा वो या तो ग्रेजुएट होगा या फिर अंडर ग्रेजुएशन होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होगा, या फिर आप 12th में भी हो सकते हैं या फिर पीजी में भी हो सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है वो इसके बारे में लिखना है। इसके बाद में पूछा गया है कि आपके ग्रेजुएशन लास्ट कब खत्म हुई थी, मतलब आपका ग्रेजुएशन किस साल आपने खत्म की थी, सो आप उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। देन आफ्टर अगर आपकी जानकारी, अगर आपके जो कॉलेज है, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो प्रोग्रेस में है तो आप किस साल में हैं उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि सॉरी एक बार मुझे इसको फिर से पढ़ना दीजिए। इफ़ यू आर ग्रेजुएशन इन प्रोसेस मेंशन द ईयर इन विच योर ग्रेजुएशन विल बी कम्प्लीट, तो किस साल आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी उसके बारे में आप जानकारी लिख सकते हैं। लाइक अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपकी ग्रेजुएशन 2025 तक खत्म हो जाएगी, 2024 तक खत्म हो जाएगी, तो आप उसको वैसे मेंशन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। लास्ट कॉलेज आपकी कौन सी थी उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। आपको अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप किस कोर्स से थे उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। इसमें इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, लाइक आप बीए कर रखिए तो बीए में मेन सब्जेक्ट कौन से थे, लाइक मैंने बीएससी कर रखी है तो मैं जो लिखूंगा मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है, सो बीएससी मैथ्स से लिख सकते हैं यहाँ से। देन आफ्टर आपको यहाँ पे आपके 10th के परसेंटेज पूछे गए हैं, आपको 10th के परसेंटेज लिखने हैं, और अगर आपके सीजीपीए में है तो आप उसको लिख सकते हैं अगर आप इससे सीबीएसई से पढ़े तो। देन आफ्टर आपको 12th में किस बोर्ड से थी उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है, तो आप सीबीएसई से थे, आईसीएसई से थे, या फिर अदर से थे। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरी यहाँ पे जो चलता है वो चलता है बीएससी, जो बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान वो चलता है, उसके बारे में जानकारी लिखनी है। 12th के अंदर आपके कौन से परसेंटेज थे उसके बारे में जानकारी लिखनी है, और 12th के अंदर आपका कौन सा बोर्ड था उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मेंशन करनी है। देन आफ्टर आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज कितने थे उसको जानकारी लिखनी है यहाँ पर। जैसे कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन जिसकी प्रोग्रेस में है वो लेटेस्ट में जो उनके परसेंटेज थे उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं, और जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है जिन्होंने अभी तक नहीं किए वो यहाँ पर अपन जीरो लिखेंगे। कहने का मतलब जिसने अभी फर्स्ट ईयर में है तो वो भी ग्रेजुएशन के उनके कोई परसेंटेज ही नहीं, तो वो यहाँ पर सिर्फ जीरो मेंशन कर देंगे, और जो सेकंड ईयर में है वो अपने फर्स्ट ईयर के लिखेंगे, जो फाइनल ईयर में है वो सेकंड ईयर के लिख देंगे, और जिन्होंने क्वालिफाई फाइनल पास कर लिए तो वो कंप्लीट यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। इसके साथ में आपके पास में क्या कोई अदर डिग्री भी है, देखिए इसको आप मेंशन कर सकते हैं अगर है तो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। डू यू हैव एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिग्री, है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जब लिखेंगे डिग्री तो उसके साथ में उसके परसेंटेज भी आप मेंशन करेंगे। लाइक अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है उसके बारे में आप यहाँ पर आप जानकारी लिख सकते हैं। आप कोचिंग का मीडियम क्या रखेंगे उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी होगी, हिंदी रखेंगे या फिर इंग्लिश रखेंगे, जो भी आपका मीडियम है आप उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। आप इसके बारे में जानकारी है कि आप किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आप मेंटरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर दोनों के अंदर। देखिए फ़र्क ये होगा, मेंटरशिप और फाउंडेशन में फ़र्क ये होगा। फाउंडेशन मतलब आपको बेसिक से सारी कोचिंग करवाई जाएगी, मेंटरशिप में पढ़ना आपको खुद होगा, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, बस आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे कैसा पढ़ना है क्या करना है उसके बारे में। सो यूजली बच्चे दोनों के अंदर ही अप्लाई करेंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑप्शनल क्या है उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये भी देखने को मिल रहा है, नॉट डिसाइडेड येट, अभी तक आपने अगर कोई डिसाइड नहीं किया है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जो बच्चे भी नए नए फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शंस होगा कि उन्होंने अभी तक चूज नहीं किया होगा। उसके बाद में व्हेन विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, आप कब एग्जाम देंगे, व्हेन विल यू विल गिविंग द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम फर्स्ट टाइम, सो आप उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आपने पहले दिया है तो उसके बारे में जानकारी लिखेंगे, अगर आप 2024 आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उसके बारे में, 2025 फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। देन आफ्टर हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अर्लियर, यस अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम है जो पहले क्वालिफाई कर रखा है, अगर आपका स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी है, दोनों में से अगर आपने किसी एक एग्जाम को भी क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पर आप जानकारी लिख सकते हैं, और अगर आपने कोई भी क्लियर नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर आई एम फ्रेशर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर नॉट क्लियर एनी एग्जाम, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है प्रीलिम्स दिया है और नहीं क्लियर है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि नॉट क्लियर एनी एग्जाम, या फिर आई एम फ्रेशर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो आप ऑप्शंस एक बार देख सकते हैं, यस आई क्लियर प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स आपने क्लियर कर रखा है, आपने मेंस क्लियर कर रखा है, आपने प्रीलिम्स स्टेट सर्विस का कर रखा है या फिर आपने मेंस स्टेट सर्विस का कर रखा है, आप इसको पढ़ के आप दे सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछा गया कि अगर आपने अभी आप कोई यूपीएससी की कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अगर यस तो उसका नाम भी यहाँ पर आप मेंशन जरूर कीजिएगा।
देन आफ्टर आप आपके बारे में गिव डिटेल अबाउट योर अचीवमेंट अवार्ड रिसीव और पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी. ऑल्सो गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट. यहाँ पर आप आपके बारे में कुछ जानकारी लिखिएगा. अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई डिग्री वगैरह मिल रखी है, कुछ ऐसे अवार्ड मिल रखे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखिएगा. बाकी आपका इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में जानकारी रखिएगा. बाकी मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू है क्योंकि इनके पास में लाखों में फॉर्म जाएंगे और किसी के पास में इतना टाइम नहीं कि वो उसको पढ़ सकते हैं. नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा खास इसका फर्क पड़ेगा नहीं. इसके बाद में जो ये इंटरव्यू के टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी लॉजिकल वे होना चाहिए क्योंकि लाखों के अंदर फॉर्म जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि शायद इतने फॉर्म सब लोग पढ़ पाएंगे. सो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है कि व्हाई डू यू फील कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए हम चुने या फिर आप डिजर्व करते हैं स्कॉलरशिप को, तो आप इसके बारे में यहाँ पर जानकारी मेंशन कर सकते हैं. देन आफ्टर आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चले, सो आप जैसे कि आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल से पता चल रही है तो आप यूट्यूब के बारे में जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं. देन आफ्टर कुछ ऐसी क्वेरी हो, कुछ कमेंट हो, कुछ सजेशन हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी मेंशन करेंगे एंड फॉर्म को सबमिट कर देंगे. सो अपन पहले इस फॉर्म को सबमिट करते हैं एंड देन आफ्टर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा. लेकिन पहले जब तक ये सारी जानकारी मैं नहीं फिल करता तब तक मेरे पास में पेमेंट का ऑप्शंस भी नहीं आएगा. सो पेमेंट का ऑप्शंस बहुत सिंपल है, आप सीधा जाकर आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं. खैर पहले मैं इसको फिल करता हूँ, उसके बाद में जानकारी आपको बताऊँगा. सो नाउ फर्स्ट स्टेप फिनिश करने के बाद में जैसे ही हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, सो हमें यहाँ पर पेमेंट के बारे में ऑप्शंस पूछा जाता है. इसके अंदर आपको दो से तीन मेथड आपको दी जा रही हैं. पहली मेथड है वो है UPI के माध्यम से आप डायरेक्ट DIAFoundation@UPI इस UPI ID से भी पे कर सकते हैं. द सेकेंड ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज द UPI QR कोड, आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हैं. देन आफ्टर आपको यहाँ पर पेमेंट लिंक मिलेगी, यहाँ से भी आप पे कर सकते हैं. उसके बाद में आपका क्या मोड था वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सब लोग QR कोड से करेंगे जो सबसे ईजी होता है, कुछ करना कोई मुश्किल नहीं होता. उसके बाद में आपके जो ट्रांजेक्शन की जो लास्ट 5 डिजिट थी उसको लिखना होगा यहाँ पे. ट्रांजेक्शन के यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर होंगे पेमेंट के, वो आप जब पेटीएम से या फिर गूगल पे से जब भी आप पे करेंगे तो आपको सामने दिख जाता है, उसको नंबर को यहाँ पर आप लिखेंगे. अगर आपको इसके लेकर डाउट है तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप आके बात कर सकते हैं. एंड आपको नीचे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर आकर भी हमसे आप बात कर सकते हैं. सो इसके बाद में जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा. देन आफ्टर कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिमार्क है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि कोई इश्यू नहीं है इसका. एंड यहाँ पर आपको येस करना होगा कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हैं. ओके एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा. ये तो हमने बात कर दी फॉर्म को कैसे भरना है, अब हम बात करते हैं इस फॉर्म की कमियाँ क्या हैं उसके बारे में. सो उसके पहले चलते हैं इसकी कमियाँ क्या हैं उसको पहचानते हैं. देखिए अगर आप UPSC की इतनी बड़ी कोचिंग का फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं और आप गूगल फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, आपके पास में एक प्रॉपर वेबसाइट ही नहीं है, आपके पास में प्रॉपर डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई जानकारी भी नहीं है, आप एक नॉर्मल गूगल फॉर्म के माध्यम से फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, सो पहला क्वेश्चन तो उठता है इनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि किस हिसाब से फॉर्म को सबमिट करवा रहे हैं. सेकेंड थिंग इज डैट आपसे ये जो बाकी की जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका कोई जानकारी कोई है ही नहीं. थर्ड थिंग इन्होंने बोला है कि आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम बेसिस पे, बट एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी अभी तक हमारे पास में जानकारी है नहीं, कैसे होगा क्या प्रोसेस होगी. एंड द बिगेस्ट क्वेश्चंस जो कि अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चंस सोनू सूद की इस फाउंडेशन के ऊपर भी जाता है और सोनू सूद के खुद के ऊपर भी आता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने चेहरे को यूज़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चों के फीलिंग के साथ में ये एक तरह से काम किया जा रहा है उसके ऊपर एक सवाल उठता है. मैंने 2020 का फॉर्म आई थिंक 2020 के अंदर आया था या फिर 2021 के अंदर आया था जहाँ तक मुझे याद है. सो लास्ट ईयर के जितने भी इनके फॉर्म आए मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आई थिंक दो फॉर्म तो मैंने भरे और 2023 का ही है. तो यस 2021 में एक फॉर्म आया था, लास्ट ईयर 2022 में और इस बार 2023 में. सो 3 साल से ये एग्जाम निकाल रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज डैट कि मैं फॉर्म सबमिट करने के बाद में मेरे पास में ईमेल भी नहीं आती हैं. सेकेंड थिंग मेरे पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है कि इनका एग्जाम का क्या प्रोसेस है, किस हिसाब से सिलेक्शन होगा और क्या इसकी प्रोसेस रहेगी. आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट ईयर आपके साथ में क्या हुआ था, किसी बच्चे के साथ में नहीं आया था. अब बात रहती है 51 रुपये जो आपसे लिए जा रहे हैं, लेट्स काउंट करते हैं जिस हिसाब से सोनू सूद का चेहरा है, जिस हिसाब से लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, अगर इनको ज़्यादा नहीं अगर 5 लाख से 6 लाख बच्चे भी इनको अगर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि फ्री की कोचिंग के लिए जितने लोग फ्री के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही लोग इस फॉर्म के अंदर भी सबमिट करेंगे, एक मोटा आंकड़ा लेते हैं, तो अगर आप 5 लाख लोग भी अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो भी इनके पास में करीब 2.5 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है.
ये कहीं ना कहीं मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमेशा एक सवाल अब रहेगा, क्योंकि इतनी बार हमने फॉर्म सबमिट किया उसके बाद में भी कोई ऐसी जानकारी आई नहीं सामने से। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक आपको बैड वर्ड लिखने हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड बड़ी बात यह कि मुझे सोनू सूद सर जो इन्होंने जो काम किया है, मुझे रियली में इनका फैन हूँ, इनका काम करने का तरीका बहुत बेटर है और मुझे इनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। आपको एक कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो मेरी और इनका कोई ताल्लुकात भी नहीं हो सकता। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म को निकाल रहे हैं, अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं, तो हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं दृष्टि एस या फिर और भी कोचिंग वाला लाइक अनअकैडमी है या फिर ये आजकल स्टडी आई क्यू भी कर रहा है कि बच्चों को वो सिलेक्ट प्रीलिम्स निकालने के बाद वो दिल्ली बुला रहे हैं, तो उनके पास में एक क्राइटेरिया है, वो आपको पहले से बता रहे हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स निकला है तो ही हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो कम से कम बच्चों को पता तो रहता है हिंदुस्तान के अंदर यूथ कितना ज़्यादा है, किसी से छुपा नहीं है। आप 12th पास से लेकर ग्रेजुएट तक सारे बच्चों को आप अप्लाई कर रहे हैं और यूपीएससी का क्रेज़ कितना ज़्यादा है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज के टाइम में टीचिंग के अंदर यूपीएससी के जितने वीडियो देखे जाते हैं शायद मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड के वीडियो देखे जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एक सवाल हमेशा बनेगा इस एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल में सही से प्रॉपर जानकारी मेंशन नहीं होती है। सोनू सूद ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट कर देते हैं और सारे बच्चे फॉर्म भरने लग जाते हैं। मेरा काम था आपको फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में जानकारी देना। अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए देन यू कैन, आप फॉर्म भर सकते हैं और एक बार के लिए आप भी आजमा सकते हैं। मैंने पिछले 2 फॉर्म भरे थे सो इसके कारण मुझे लगता है कि शायद मैं पेमेंट नहीं करूँगा और वही मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। सो ये थी कंप्लीट जानकारी इस फॉर्म के बारे में। इफ़ यू थिंक इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है देन यू कैन सब्सक्राइब एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सारे टॉपर्स के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ एंड जितने भी कोचिंग्स के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ और जितने भी आपके डाउट होते हैं वो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, एस्पिरेंट ग्रुप, जहाँ पे आपको सारे एस्पिरेंट एक साथ में देखने को मिल जाते हैं, 5,000-6,000 एस्पिरेंट वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अलावा इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, पर्सनल डाउट अगर आपको कोई पूछने हैं तो आप वहाँ से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन किसी और रोज़ किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।